लॉर्ड चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जो कि आज किसी से अनजान नहीं। कोई होता है जो कि अपने नाम को पूरी दुनिया भर में रोशन करता है, और कोई ऐसी दुनिया में होता है जो अपने प्यार से अपने नाम को बदनाम कर देता है। कई लोगों के प्यार अनोखे होते हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड में कई के प्यार के किस्से डरावने सपने जैसे होते हैं। आज जिस रिया चक्रवर्ती को भाई खाला जेल के अंदर दिन रात गुजारना पड़ रहा है, जहां से निकलने के लिए वो एक कोशिश नहीं बल्कि चारों तरफ से जो भी रास्ते मिल जाए वो कर रही है। उनके चारों रास्ते बंद कर उनके सिर पर बदनामी का एक थप्पा डालकर जिस तरह से उनके पूरे परिवार को जिल्लत सहनी पड़ी, इसके बाद रिया चक्रवर्ती क्या खुद को अपने पूरे चाहने वालों के बीच, दुनिया वालों के बीच सही साबित कर पाएंगे? कैसे? क्योंकि जितने डिजिटल एविडेंस आए हैं वो सब इस वक्त बॉलीवुड टाउन ही नहीं बल्कि सुशांत की हर एक चाहने वालों के बीच पहुंच चुके हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी सारी प्राइवेसी चली गई। रिया के साथ जो हुआ है उससे बॉलीवुड इंडस्ट्री कांप उठी है, और यही बात बॉलीवुड में जिस तरह से हड़कंप मचा रही है, रिया के सपोर्ट में लोग भी सामने आ रहे हैं। हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में ले चलेंगे आज बॉलीवुड इंडस्ट्री की रिया को लेकर रिएक्शन की तरफ। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दर्शकों, इस प्रोग्राम में आज इस रिपोर्ट के जरिए आप जानेंगे रिया को लेकर इस वक्त NCB, CBI, कोर्ट और बॉलीवुड के साथ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के रिएक्शन किस तरह के हैं। देखिए रिपोर्ट। हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती। ये खुलासा हो चुका है कि हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। बेल प्ली अब रिजेक्ट किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, ये तो हाई कोर्ट के जो जज ही फैसला करेंगे, सबूतों के आधार पर और उनके अरेस्ट वारंट के आधार पर, केस फाइल के आधार पर, चार्ज जो उन पर लगे हैं उसके सेक्शन के आधार पर। लेकिन NCB ने ये कहा कि NCB के डिप्यूटी जनरल डायरेक्टर ने कहा है, अशोक जैन ने, कि उनका केस मजबूत है और जो चार्जशीट तैयार किए गए हैं वो सबूतों के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। अब तक सिर्फ डिजिटल एविडेंस की बात चल रही थी। अब तक ये कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती शौविक के खिलाफ सिर्फ डिजिटल एविडेंस थे, लेकिन अब जो गिरफ्तार हुए हैं करमजीत सिंह, अनुज किशवानी, इनके गिरफ्तारी के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर फार्म हाउस से सारा और सुशांत के वायरल वीडियो होने के बाद, रिया और सुशांत के वायरल वीडियो सामने आने के बाद, कोर्ट में इसकी पेशी के बाद रिया की छुट्टी ना मुमकिन मानी जा रही है। तो आपको बताना चाहेंगे इसे लेकर जो नई खबर आई है, वो बेल वो प्ली करने वाले हैं और जमानत के लिए पूरी तरह से शौविक और रिया तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि घुट रही है रिया जेल में। रिया जेल में इस बदनामी के तमाचे, बदनामी के थप्पड़ खा खा कर बेहद परेशान है, बेहद ज़्यादा हताशे में है, और इसी कारण से रिया चक्रवर्ती मुंबई के हाई कोर्ट में इस नशीले पदार्थ के बिजनेस के मामले में बेल को लेकर कहा जा रहा था कि रिया और बात की जाए उनके भाई की, तो उनका बेल नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ आए और उन सबको कंगना रनौत ने ट्रोल भी किया। जी हाँ, रिया को फंसाओ ड्रामा, सोनम कपूर आहूजा, जोया अख्तर से लेकर तमाम सेलिब्रिटीज़ जो रिया के सपोर्ट में आ रहे हैं, जिसमें बच्चन परिवार तक के नाम सामने आए, उन सब ने एक लेटर जारी किया है मीडिया ट्रायल के खिलाफ। मीडिया में वे क्षण जो देखने को मिला है उसके लिए रिया चक्रवर्ती के लिए सपोर्ट में सुशांत इन्वेस्टिगेशन में एक लेटर जारी किया गया है, वो लेटर वाकई में दिल दहलाने वाला लेटर है, बहुत ही ज़्यादा रुख कपाने वाला लेटर है, क्योंकि यहाँ सुशांत के पक्ष की बात नहीं हुई है। लेटर में लिखा है, वी आर वरीड अबाउट यू, रिया हमें आपकी परवाह है, क्या आप ठीक हैं? और इसका पूरा मतलब आपको बता दें, क्वेश्चन की शुरुआत के साथ इस लेटर को वायरल किया गया है। आपके कैरेक्टर को लेकर जिस तरह की स्टेटमेंट दिए गए हैं ऑनलाइन, जिस तरह से आपको मूव किया गया है, डीमोनाइज किया गया है, और आपकी फैमिली को डीमोनाइज किया गया है, जिस तरह से रॉन्गफुल डिमांड और आपके अरेस्ट को लेकर विक्ट्री माना जा रहा है, ये गलत है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को मीडिया के बीच पुश किया गया,
कोई रिगार्ड नहीं दिया गया, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो नहीं किया गया, कोरोना का भी डर किसी को नहीं था और रिया की ज़िंदगी को खतरे में देखा गया। इसके कारण बहुत नाराज़गी है। इस तरह से उनकी प्राइवेसी को पूरी तरह से वायलेट किया गया है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट को रिवील किया गया, पर्सनल मैसेजेस को शेयर किया गया, वीडियो प्राइवेट वीडियोस को शेयर किया गया। ये बहुत गलत है। रिया चक्रवर्ती के ऑनलाइन सारे वीडियो शेयर किए गए हैं, इस तरह से उनका तमाशा बनाया गया है, उनके हर एक प्राइवेसी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है और इससे बड़ा थप्पड़ कुछ नहीं हो सकता है। तो रिया को हर रोज़ थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ ड्रामा है रिया को फंसाने का। इस ओपन लेटर में सिग्नेचर्स हैं तमाम सेलिब्रिटीज़ के, विद्या बालन से लेकर शिवानी दांडेकर से लेकर श्वेता बच्चन तक, बी टाउन के तमाम सेलिब्रिटीज़ ने एनसीबी के रिया को अरेस्ट करने के बाद रिया के सपोर्ट में बात की है। जस्टिस फॉर रिया इंस्टाग्राम पर उन्होंने हैशटैग वायरल किया है। इस ओपन लेटर से अब रिया को न्याय मिलेगी। ट्विंकल खन्ना भी जो सपोर्ट कर चुकी हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, इसे लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या रिया को बॉलीवुड सेलेब्स के सपोर्ट से जेल के बाहर, भाई खाला जेल के बाहर निकलने का समय मिल जाएगा? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के लिए परेशानियां कम नहीं हुई हैं। सारा अली खान की वीडियो बरामद होने के बाद फार्म हाउस में जो भी चीज़ें पाई गई है उसे लेकर बोथ मैन ने भी बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, जिस टापू में रिया सुशांत के साथ घंटों गुजारा करते थे, उस टापू के बोट ने कहा है कि सुशांत रिया को यहाँ लाया करते थे, दोनों नशा किया करते थे, पार्टी चलते थे। इनफैक्ट रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती का भी नाम इसमें दर्ज हुआ है, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि अभी भी मामला सुलझा नहीं है, अभी भी मामला उतना ही उलझा हुआ है। और इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, इस पर तमाम नए सवाल लगातार किए जा रहे हैं। देखना होगा कैसे रिया इस तरह के इल्ज़ामों से बचती है और कैसे अब अपने ऊपर लगे इल्ज़ामों के धब्बे, बदनामी के धब्बे और थप्पड़ों जैसे इस तरह के इल्ज़ाम को अपने सिर से मिटाती है। वेल दर्शकों, ये था हमारा आज का बेहद खास प्रोग्राम रिया चक्रवर्ती को लेकर। उनसे जुड़ी आई तमाम अपडेट हमने आपको पहुंचाई है। हमने आपको बताया कि रिया चक्रवर्ती आखिर क्यों तमाम मुसीबतों का सामना कर रही है, क्या है परेशानियां जिससे रिया चक्रवर्ती को डील करना पड़ रहा है, क्या है वो कारण जिसकी वजह से रिया चक्रवर्ती जेल के बाहर आने के बावजूद वो खुद पर लगे इल्जामों को मिटाने में सालों जूझने वाली हैं। बॉलीवुड का साथ उनके साथ है, लेकिन जो नेटिजंस है रिया के बिल्कुल खिलाफ है। तो रिया चक्रवर्ती की बॉलीवुड में करियर की अभी शुरुआत ही हुई थी कि सुशांत के गुजरने के बाद पूरी तरह से उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, तमाम सवाल, नामी इस तरह के मोड़ आए हैं। लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिया चक्रवर्ती की वापसी का इंतजार कुछ लोगों का है। ऐसे में रिया क्या जमानत पाएंगी, ये तो अब कोर्ट से आने वाले फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आपसे हम यहीं पर इजाजत लेंगे, अगली बार फिर लौटेंगे बॉलीवुड टाउन की ऐसी ही तमाम खबरें लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।